धनुर्क्रमीण जगज्जय धर्मव्रति कर्मपथि रश्मिरथि महारथि ओ महारथि कर्ण दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण राक्षस संभासुर को मारकर राजा चंद्रसेन और उसकी पुत्री वत्सला की रक्षा करता है एवं शापित देवताओं को राक्षस योनि से मुक्त करवाता है। राजा चंद्रसेन कर्ण से अपनी पुत्री वत्सला के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। उधर शकुनी पुरोचन को लाक्षागृह जलाने का आदेश देता है। हस्तिनापुर में दुर्योधन कर्ण से लाक्षागृह षड्यंत्र गुप्त रखने की बात दुशासन से कहता है। अब आगे आपने तो मुझे भयभीत ही कर दिया गांधार नरेश। गांधार नरेश, इससे पहले कि हमें कोई देखे हमें यहां से शीघ्र ही प्रस्थान कर जाना चाहिए, अन्यथा किसी को भी हमारे इस षड्यंत्र का पता चल सकता है। अपने षड्यंत्र को सदैव गुप्त ही रखना चाहिए पुरोचन, और हमारा यह षड्यंत्र सफल ही रहेगा और साथ साथ गुप्त भी। हम पर किसी को संदेह नहीं होगा पुरोचन, संदेह नहीं होगा। गांधार नरेश, ये आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ पुरोचन जो उचित है। ये उचित नहीं है गांधार नरेश, ये छल है गांधार नरेश। छल? ये छल है। ये छल नहीं है पुरोचन, यही तो राजनीति है। अपने षड्यंत्र में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति को जीवित छोड़ना अपने मृत्यु को न्योता देने के समान है, और हम अभी अपनी मृत्यु को न्योता नहीं देना चाहते पुरोचन। इसीलिए तुम्हें इसी अग्नि में अपना संस्कार कराना होगा पुरोचन। ये छल है गांधार नरेश, आप कपटी है गांधार नरेश, आप धूर्त है। ए पुरोचन, अपने घातक की क्षमा याचना तो सुन लो, क्षमा कर दो इस गांधार नरेश शकुनी को। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि तुमने हमें क्षमा कर दिया है। स्वामी भक्त पुरोचन, तुम्हारा कल्याण हो। भैया बाबूश्री कहाँ है? बाबूश्री कहाँ है? भागो नकुल। निकलो यहां से। अपना हाथ दो। हाँ बचाओ। इधर से निकलो। आओ चलो इधर से। इधर से किधर चली? महारानी जी, शीघ्र इधर आइए, शीघ्र। चलो नकुल, चलो।
युवराज युवराज आइए इधर आइए इधर आइए। चलो माताश्री आइए चलिए यहां से माताश्री। चलो आज हस्तिनापुर के भावी युवराज धर्मराज युधिष्ठिर आप लोगों की मृत्यु ही नहीं हुई साथ साथ अंतिम संस्कार भी हो गया। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ऐसे मानव को क्या कहिए जो निर्मम हो पाषाणों से कौरवों के राज दिलाने को खेला पांडवों के प्राणों से लाक्षागृह निर्माण कराया पांडु सुतों को वहां पठाया छलना करके महल जलवाया मातुल का संबंध लजाया। आइए युवराज इधर आइए। कौन हो तुम? काकाश्री आप? राधाश्री प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम भाभीश्री। विदुर ये अकस्मात हमारे भवन में आग कैसे लग गई? ये खनिक कौन है? मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? ये दुर्घटना कैसे घटी? ये दुर्घटना नहीं भाभीश्री, ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र? षड्यंत्र? यदि ये षड्यंत्र है तो फिर ये षड्यंत्र रचा किसने काकाश्री? बताइए काकाश्री, हमारी मृत्यु की योजना किसने बनाई थी? किसने दिखाई थी इतनी नीचता? मैं उसके मस्तक के चार टुकड़े कर दूंगा। बताइए काकाश्री। आप मौन क्यों हैं काकाश्री? बताइए ना कौन है वो? कौन है काकाश्री जिसने हमें समाप्त करने का ये षड्यंत्र रचा है? षड्यंत्र की चर्चा करने का अभी समय नहीं है पुत्रो, अभी हमें अपनी सुरक्षा के विषय में सोचना है। किंतु ये खनिक कौन है जिसने हमें बचाया है और सुरक्षित हमें यहाँ तक ले आया है? कौन हो तुम? आपके राज्य का एक खनिक हूँ महारानी जी। मेरा नाम सदाशिव है। महामंत्री जी के आदेश पर मैंने ये सब किया है। धन्यवाद सदाशिव, तुम्हारा ये उपकार हमें जीवन भर स्मरण रहेगा। ऐसी बात कहकर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं महामंत्री जी, अब मुझे आज्ञा दें। सदाशिव, राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करके तुमने अपना नाम अमर कर लिया है। जब भी हस्तिनापुर का इतिहास लिखा जाएगा तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है सदाशिव। प्रणाम महारानी जी। काकाश्री, वारनावत आते समय आपने हमें सावधान रहने का आदेश दिया था। काकाश्री, अकस्मात यहां बुलाने का कारण, आपने मुझे आदेश दिया होता तो मैं राजभवन में आपके समक्ष उपस्थित हो जाता। पुत्र युधिष्ठिर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राजभवन के परिधि में नहीं की जाती हैं।
क्या बात है काकाश्री, सब कुशल तो है? यदि सब कुशल होता तो मुझे तुम्हें यहां बुलाने की आवश्यकता ही क्या होती। पुत्र युधिष्ठिर, तुम लोग वारणावत जा रहे हो, परंतु वहां सावधानी से रहना। सावधान होकर रहे काकाश्री? ऐसी क्या बात होगी जो आपका हमें वन प्रदेश बुलाकर सावधान रहने की सूचना देनी पड़ी? प्रिय धर्मराज, वारणावत से लौट कर आने के पश्चात आपको हस्तिनापुर के युवराज का पद मिल जाएगा। आप हस्तिनापुर के भावी सम्राट हैं। मैं तो एक भावी सम्राट के प्रति एक महामंत्री का कर्तव्य निभा रहा हूं। संभवतः इस षड्यंत्र के विषय में आपको ज्ञात हो गया था। हाँ पुत्र। तो फिर आपने हमें उसी समय क्यों नहीं बता दिया? यदि बता देता तो मैं इस षड्यंत्र की जड़ तक नहीं पहुंच पाता और सुरक्षा का उपाय करना दुर्लभ हो जाता। राजनीति यही कहती है पुत्र कि किसी भी षड्यंत्र का उत्तर देने के लिए प्रहार जितना महत्वपूर्ण होता है उससे अधिक महत्वपूर्ण होती है सुरक्षा। और इसी सुरक्षा के लिए मैंने अपने स्वामी भक्त खनिक को सुरंग बनाने का कार्य सौंप दिया था। और ये ही नहीं, खनिक सदैव आप लोगों के विषय में मुझे सूचना भी देता रहता था। भ्राताश्री, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। भाभी श्री, हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी और तब तक तुम सभी लोगों को वन में रहना होगा। यहाँ इस वन में? हाँ वत्स नकुल। और जब तक वन में रहोगे तुम्हें अपना परिचय छिपा कर रहना होगा। और जहां तक हस्तिनापुर की बात है वहां अब तक इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी होगी। मामा श्री, एक बार वर्णन कर लीजिए उस संपूर्ण घटना का। और एक बार वर्णन कर दीजिए मामा श्री। जब से मैं वारणावत से लौटा हूँ प्रिय भांजे, तुम मेरे मुख से सहस्त्रों बार ये वर्णन सुन चुके हो। उसके पश्चात भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है मामा श्री। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मेरा मन तो कर रहा है कि आपके मुख से उस सुंदर घटना का वर्णन सुनता जाऊं। सुना तुमने दुशासन? हमारे शत्रु अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अरे इतना नहीं भ्राता, इसके साथ साथ उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ प्रिय भांजे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं मामा श्री? अभी अभी तो आपने कहा कि हमारे शत्रु अग्नि में जलकर भस्म हो गए, और अभी आप ये कह रहे हैं? भांजे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं सत्य कह रहा हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मामा श्री? आप ही ने तो बताया कि लाक्षाग्रह अग्नि की लपटों में धू धू करके जल रहा था। और आपने ये भी बताया कि आपने कुंती और उसके पुत्रों की चीखने चिल्लाने पुकारने की आवाजें अपने इन कानों से सुनी थी। ये सब झूठ है। पूर्वजों ने सत्य ही कहा है भांजो, अकारण ही नहीं कहा होगा। मल योद्धाओं की बुद्धि उनके घुटनों में होती है। प्रिय भांजे, मैंने इस धरती पर भांति भांति के मूर्ख देखे किंतु तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा। मामा श्री, अब तुम्हें मूर्ख ना कहूं तो क्या बुद्धिमान कहूं भांजे? प्रिय भांजे, पांडु पुत्र तो तुम्हारे भ्राता थे, तुम्हारे अपने, और कुंती तुम्हारी माता श्री। कोई अपनों के मृत्यु पर हर्ष मनाता है? नहीं, शोक मनाता है, शोक। अब अपने मुखमंडल से तुम प्रसन्नता का आवरण उतारो और शोक का आवरण चढ़ा लो। ताश्री, ताश्री। आइए महाराज, विराजी। ये सब क्या हो गया ताश्री, ये सब क्या हो गया? ये सेवक अवश्य ही असत्य समाचार लाया है ताश्री। पुत्र, कितना अच्छा होता तुम्हारा ये सोचना सत्य हो जाता और ये सूचना असत्य। तो क्या आप भी यही कह रहे हैं
कि यह सत्य घटना है? यही तो हमारा दुर्भाग्य है, यही तो हस्तनापुर का दुर्भाग्य है। ये सब कैसे हो गया ताश्री, ये सब कैसे हो गया? धृतराष्ट्र, आप हस्तनापुर के महाराज हैं, ये सब कैसे हो गया ये आपको जानना चाहिए। इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटित हो गई विदुर? हम तो अपने अनुज पुत्र के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा में बैठे थे, ऐसे समाचार की हमें कदापि आशा नहीं थी। हमने तो उन्हें वाणावत भ्रमण करने के लिए भेजा था, आनंद मनाने के लिए भेजा था। वाणावत भेजने का निर्णय तो आपका था, परंतु सुझाव किसका था? निर्णय हो या सुझाव, क्या अंतर पड़ता है विदुर? दोषी तो मैं ही हूं ना। अंतर पड़ता है महाराज, यदि निर्णय सुझाव से प्रेरित होकर लिया गया हो तो। तुम्हारी इन घुमा फिरा कर की गई बातों को मैं समझ नहीं पाता हूं विदुर। स्पष्ट बताओ विदुर, स्पष्ट बताओ। यदि आप स्पष्ट सुनना चाहते हैं तो सुनिए विदुर। दुर्घटना तो घटित हो चुकी, अब दुर्घटना घटने का कारण क्या है? इससे परिणाम पर कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा? राजनीति तो यही कहती है ताश्री। राजनीति कुछ भी कहती हो विदुर, किंतु हमारे पात्रों को वापस तो नहीं ला सकती ना। पुत्र धृतराष्ट्र, तुम वही करो जो हमारी पुत्र वधु और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए उचित हो। द्रोण शिष्य पांडवों के साथ जो दुर्घटना हुई उसे संपूर्ण हस्तिनापुर द्रवित है वत्स। हां गुरुदेव, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पांडवों के साथ साथ महारानी कुंती भी नहीं रही, ये बात हृदय को बहुत कष्ट पहुंचाती है गुरुदेव। तुम सत्य कह रहे हो, पांचों पांडव वीर योद्धा थे, उनकी कमी संभवतः कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उनकी क्षति केवल हस्तिनापुर की ही नहीं संपूर्ण आर्यावर्त की है। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, ऐसा कौन है जो इस समाचार से द्रवित नहीं हुआ होगा? परंतु इसका सबसे अधिक दुख पांडवों के गुरु द्रोण को हुआ होगा। इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं वत्स, किसी भी शिष्य की मृत्यु की पीड़ा कितनी असहनीय होती है। मैं गुरु द्रोणाचार्य की पीड़ा का अनुमान लगा सकता हूं गुरुदेव, परंतु अर्जुन की मृत्यु का मुझे बहुत दुख है। दुख तो मुझे इस बात का भी है गुरुदेव कि श्रेष्ठता का निर्णय किए बिना ही अर्जुन चला गया। अर्जुन मेरा ध्येय था गुरुदेव। वत्स कर्ण, कभी कभी षड्यंत्र भी दुर्घटना का रूप लेकर हमारे सम्मुख आ जाता है। संभवतः यह दुर्घटना भी किसी षड्यंत्र का परिणाम हो। संभावनाओं का सागर बहुत गहरा होता है गुरुदेव। हम किन किन संभावनाओं की चर्चा करेंगे? राजनीतिक षड्यंत्र की संभावना का वत्स। कहता है इतिहास दूजा कर्ण नहीं मेरे पास, कहता है इतिहास दूजा कर्ण नहीं मेरे पास। महामना महाबली धनुर्प्रवीण जगत जयी, धर्मव्रती कर्मपति रश्मि रथी महारथी। ओ महारथी कर्ण, एक बाहु स्वावलंब दूजा स्वाभिमान है, दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है। महारथी कर्ण तो महानों से महान है। महारथी कर्ण